भागते रहो भागते रहो। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में आए। अरे हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से सभी का स्वागत है इतना दिन के बाद। आई मीन इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी गाइस। फिर से मैं वापस नया व्लॉग लेके आ गया हूँ। अभी हम लोग जाएंगे नैनीताल, फिलहाल हम दिल्ली पे है। सो एज यू कैन सी द व्यू, सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम चलो लेट्स गो। अभी बच रहा है 10 PM ऑफ कोर्स, सो नाइट प्लस ट्रैफिक भी बहुत है। ओके सो पेट्रोल भी भराना है। आई मीन ओके जी नेक्स्ट मॉर्निंग। सो फाइनली नैनीताल नंगलियार लो पहुँच गए हम लोग। थक गए हैं लेकिन आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, लाइक न्यू प्लेस, नया जगह एक्सप्लोर करने को मिला चांस। वाओ, एज यू कैन सी द लेक, ब्यूटीफुल लेक, एंड इधर ग्रैंड होटल। वाओ, लुक एट द ट्रीज। एग्जाम पिकान अधी मेरी दो में पिकान। वाओ ओके, डक बोट राइड था बैग में। आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइस बट नॉट माय होटल रिबम लो होटल कैसा ही नोवे हेरी के लाख तलाक पिक लो नी बांगे बैग भी। आई मीन मैं यहाँ जिपेन पटो भी लाइक पिन यहाँ लो अलग मैं ड्राइव नहीं सी ड्राइव मरी दी के लालो नीले मैं यहाँ लोट बोलो दांते नाले देर है पो। सो हलो नॉन होटल लो होटल लो अरे पिसांग को रेस्ट पॉइंट के लादर पिन इनी तल आदिम ना एक्सप्लोर पामी पो एक्सप्लोर पामी पो ना बकलांग पामी पो। सो बनी रहे नॉन मांगे लाइन नहीं दोनों एकदम तोमोन मांग जीर तो मैं पिकन बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश हवा मिल रहा है। और नैनीताल जो है एक तरह से बोल भी सकते कि एक मिनी लाइक न्यूजीलैंड, लाइक व्यू देख रहे हो ना न्यूजीलैंड जैसा सेम टू सेम है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर लॉट्स ऑफ प्लेस। जैसे भी हो अभी जाएंगे होटल पे जाएंगे, पहले कार पार्किंग करेंगे क्योंकि पार्किंग में जगह कम मिलता है ना। एज यू कैन सी ऑल द शॉप्स आर हियर। कुबांग के ब्रेकफास्ट लंच डिनर बावर्ची रेस्टोरेंट। और एक चीज मेरे भी दिल्ली से नैनीताल आने के लिए लगभग डिस्टेंस लगा, आई मीन किलोमीटर 315.6 किलोमीटर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग किलोमीटर था, बहुत ट्रेवल कर लिया थक गया। अला लो दिल्ली पेन नैनीताल के 315.6 किलोमीटर। तो फाइनली आफ्टर लाइक एकदम सांग सीपे लो सांग लो सब सब सांग लो, बस थोड़ा जगह जगह भी रुका था होटल होटल पे, उसके बाद चाय वाय पिया थोड़ा माइंड फ्रेश होने के लिए और शक्ति मिलने के लिए कुछ खाया। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और बस यही है। हम लोग अभी पार्किंग करने के लिए जाएंगे, जा रहा हूँ मतलब मैं चला रहा हूँ। उसके बाद लुक एट द व्यू, लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू एंड द लेक ऑफ कोर्स। ओके सो फाइनली यहाँ पे हम लोग आई मीन मैं कार पार्किंग लगा चुका हूँ, चलते यहाँ से होटल। लेट्स गो। वाओ सो फाइनली दिस इज आवर रूम। ओके सो टायर्ड एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर। वाओ सो लक्की। ओके ऐसे एसी का जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे, इट्स वेरी कोल्ड। एंड लुक एट द बाथरूम, राइट इट्स गुड बाय द वे, अच्छा है। 2 घंटे सोने के बाद आई एम गेटिंग लिटिल बिट एनर्जी, अभी जाएंगे खाना खाने। लेट्स गो। ओके सो बस हम लोग का लंच आ गया, कुछ है नहीं और क्या है। ठीक है अभी हम लोग खाएंगे रोटी है
फ्राइड राइस है, दाल वगैरह वगैरह। ओके, खाना खा लिया। फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी। भैया पहले कहाँ लेके जा रहे हो? मेरा नाम शोएब मियां है, मैं नैनीताल से हूँ। सबसे पहले हिमालय दर्शन, फिर नैनीताल लेगी पॉइंट, बारह पत्थर, लैंडस्लाइड बैंड, खुरपा ताल, वाटरफॉल, सरिता ताल। अच्छा, इन जगहों पे घुमाएंगे। ओके। और थोड़ा एडवेंचर भी है वहाँ पर। अच्छा, बोटिंग भी है, जोरबिंग भी है, सब घुमा के लाएंगे। चलो ठीक है। अच्छा, उधर हो रहा है दुर्गा मेला, और उसके बाद हम लोग इधर जाएंगे। ये यहाँ पे पार्किंग की बहुत समस्या, जगह जगह आप देख सकते हैं। और पार्किंग है और पेड पार्किंग, इसका पैसा लगता है। उसके बावजूद दो पार्किंग में नाले पे लिंटर डाल के पार्किंग बनी है। ओके। बहुत बड़ी समस्या पार्किंग। अभी सामने वाले पहाड़ पे जाएंगे, वो जो लोग खड़े हैं हाँ वहाँ पे जाएंगे। कौन सा वो ऊपर ऊपर से लगा है? सूखा ताल, सूखा ताल है, सूखा ताल कहते हैं। ये आर्टिफिशियल बना रहे हैं। अच्छा, ड्रेन वाटर सिस्टम का मतलब पानी बरसात में जैसे होता है। हाँ, बरसात का पानी कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। गाइस देखिए ये क्रिसमस ट्री है, वाओ, जो स्नोफॉल होगा तो और ज्यादा सुंदर लगेगा शायद ना। उसमें बर्फ रुक जाती है, बर्फ रुक जाता है, थोड़ा व्हाइट कलर का। हाँ, वाओ, नाइस। ये है ना? अच्छा, ऋतिक रोशन ना, कोई मिल गया का वो। हाँ, जादू बास्केटबॉल वाला मैच। अरे वाओ, ओके, सो दिस इज फ्लावर्स पॉइंट, फ्लावर्स पॉइंट। वाओ, सो गोना ट्राई देम सर। A few hours later. So guys, अभी हो चुका है रात और मैं जस्ट घूमने आया हूँ। Yes, it's so cold outside. But still, as you can see the views. I mean view. Wow. Look at the view. Look at the beautiful view. Okay, finally I bought this 100. कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ता है ना, बार बार मौका नहीं मिलता, प्लस बार बार आने को नहीं मिलता। सो आई एम जस्ट नियर द लेक। The next morning. Good morning from Nainital. And so सुबह के बज रहा है अराउंड 7 समथिंग। सो वी आर लीविंग एंड आज का प्लान अभी बताऊंगा नहीं, देख के बताऊंगा। चलो, आई एम इन लव विद द मॉर्निंग व्यू गाइस। एज यू कैन सी मॉर्निंग वॉक भी चल रहा है। ओके, मॉर्निंग वॉक गो। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज भीमताल। हम लोग अभी जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग कार पार्किंग किया था यस्टरडे, वहाँ तक जाएंगे, कार को निकालेंगे। और जैसे कि यहाँ पे आके आप लोग लोकल साइटिंग मतलब कि घूमने के लिए रेन में स्कूटी बाइक साइकिल से लेके आप लोग रेन में ले सकते हैं। बाइक और स्कूटी चार्जर सेम ही होगा शायद, जहाँ तक मुझे पता है 800 मतलब एक दिन। ओके, बट पेट्रोल का खर्चा खुद उठाना पड़ता है। और हम लोग तो वैसे भी कल को कार ही रेंट पे लिया था, भैया भी एक था लोकल जो कि हम लोग को गाइड किया, अच्छे से जगह भी घुमाया, स्टोरी मतलब कि जो जो हम लोग नहीं जानते वो भैया ने बोला, अच्छे से बोला, हम लोग समझ गए। अभी बस यही वीडियो। फाइनली हम लोग भीमताल पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल हम लोग हैं लेक के पास। अच्छा, उसके बाद हम लोग अभी चलाएंगे बोट। आई एम रियली एक्साइटेड, लेट्स गो गाइस। मैं अभी बोटिंग कर रहा हूँ, पैडलिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद देख रहे हो व्यू। आई एम अंडर द वाटर, हेल्प मी।
How are you? I am under the water. Please help me. A few hours later. Oh shit. फाइनली मैं इतना ऊपर में अभी क्या ही बोलूं भाई. इसका हाइट कितना होगा? 1700 फीट तर के ऊपर हूँ. उसके बाद अभी पैराग्लाइडिंग करूंगा. पेमेंट सब कर दिया है 2000. वैसे कैमरा एक्स्ट्रा लोगे तो 500 लेता है. मतलब जब ऑब्वियसली वीडियो तो लेना है यार, लाइफ टाइम के लिए एक्सपीरियंस हो जाता है ना. चलो और वही रेडी हो रहा है. तुम जा नीचे जाओ, वीडियो मेरा फट रहा है. गाइस पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ. हाँ यार कुछ नहीं होगा ना. तुम सब के लिए जस्ट तुम्हें की कंटेंट. ओके देख रहे हो हाइट तब भयंकर हाइट है. ओ माय गॉड मेरा हाथ पैर कांप रहा है अभी. भैया के साथ मैंने पैराग्लाइडिंग किया. थैंक यू सो मच. ओके वेलकम. नेक्स्ट टाइम आइए और आइए. काफी लोग भेजे हमारे पास. वही ठीक है. थैंक यू भैया. आपका नाम क्या था? मेरा नाम मनीष. मनीष थैंक यू मनीष जी. चलो माय एक्सपीरियंस माय गॉड आई एम जस्ट लविंग इट. बट एट द लास्ट मोमेंट जब मैं उतर रहा था ना तब मेरा यही बोलू चक्कर भी आया था. बट एटलीस्ट आई हैव लाइक लॉट्स ऑफ फन यार. ओह माय गॉड इट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. हाईलाइट बस यही था पैराग्लाइडिंग वाला. वाओ